अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और देख सकते हैं सितंबर की गर्मियों की धूप और मेरे प्लांट्स गर्मी के अंदर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, क्योंकि अभी इनको पानी भी देना है, क्योंकि कल से मैं इनको पानी नहीं दे पाई तो मैं इन्हें आज पानी दूँगी। लेकिन आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है मेरा जी। तो आप देख सकते हैं हर साल मैं अपनी जो पुरानी मिट्टी होती है उसे यूटिलाइज़ करती हूँ, और फिर उनमें मैं विंटर के प्लांट्स भी लगाती हूँ। और जैसे विंटर एंड होता है तो फिर समर के सीडलिंग करने के लिए या समर के प्लांट्स लगाने के लिए मैं फिर से अपनी जो पुरानी मिट्टी के गमलों की होती हैं उसे इसी तरह यूटिलाइज़ करती हूँ, और उसके बाद फिर उसमें नए सीडलिंग और नए प्लांट्स लगाती हूँ। तो इस बार भी यही किया है, और किस तरह ये सारा काम किया जाता है इसकी एक डिटेल वीडियो मेरे गार्डन में मौजूद है। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो वहाँ आप जो देख रहे हैं ये मेरी, वैसे जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तभी ये टन टन वाले आ जाते हैं या फिर कबाड़िए वाले आ जाते हैं या कोई ना कोई चीज़ जो है यहाँ पर बेचने के लिए ठेले वाले आ जाते हैं, तो अवॉइड कीजिएगा इन सारी आवाज़ों को। तो मैं बता रही थी कि ये जो है ये वाली ये खाद है, ये गोबर की खाद है, यानी काउडन मैन्यूर है ये। ये मेरी मैंने आज से 6 महीने पहले ली थी नर्सरी से, और ये तो आपको पता ही होगा कि जितनी पुरानी खाद होती हैं काउडन मैन्यूर उतनी ही वो बहुत अच्छी अपनी जो प्लांट्स अपने प्लांट्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और प्लांट्स में बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो मैंने क्या किया था कि 6 महीने पहले ये जो एक बोरी जो है खाद की ली और उसको मैंने एक तरफ रख दिया थोड़ा पानी छिड़क कर एक कोने में, और आज फिर मैंने इसको निकाला है 6 महीने के बाद। तो यहाँ धूप में मैंने इसको फैला दिया है ताकि इसमें जितने जरासीम हैं वो मर जाएं। अब ये जो खाद है वो बेस्ट है तमाम प्लांट्स के लिए, क्योंकि जितनी काउडंग मैन्योर जो हैं गोबर के खाद पुरानी होगी उतनी ही हमारे लिए फ़ायदेमंद, हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो ये हो गया। और अब ये जहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारा, तो यहाँ पर ये सारे मेरी जो है किचन वेस्ट हैं। किचन वेस्ट किस तरह बनाई जाती हैं इसकी डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं लिंक भी इसकी ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि किस तरह ये बनाई जाती हैं। तो देखिए ये सारी मेरी जो काउडंग सारी जो मेरी किचन वेस्ट हैं ये बिल्कुल डिकम्पोज होकर ये देखें इस फॉर्म में आ गई है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देख जैसे जैसे मैं सारी चीज़ें इसमें डाल रही थी ये देखिए ये सारा आपको मैं दिखा रही हूँ, सब्जियों के फलों के और मुख्तलिफ जो हमारे शेल्स हैं जैसे अंडों के शेल्स वगैरह चाय की पत्ती सब मैं इसमें डाल दिया करती थी। और मेरा जो गार्डन का वेस्ट सारा जो जमा होता था जैसे कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं जो पत्ते झड़ जाते हैं गार्डन की सफाई करते हुए वो सब मैं इसमें शामिल कर देती थी। तो आप देख सकते हैं ये डीकम्पोज होकर किस तरह ये एक हेल्दी सी जो है किचन वेस्ट तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो ये मेरी 2 दिन से मैंने धूप में दोनों खादें जो रखी थी अब मैं इनको छान कर इस बड़े से छन्नी से छान कर मैं दोबारा से इन बोरियों में इसे सेव कर लूँगी, और हो सकता है कि मैं अपनी मिट्टी जो है वो तैयार करके सेव कर लूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं फिर इस मिट्टी को यूज़ कर सकूँ। तो कैसे मिट्टी तैयार की जाती है प्लांट्स के लिए इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, और वो ये है कि ये देखें ये तो मेरी यूटिलाइज़ हो चुकी हैं, और ये एक मेरे बैग के अंदर आप देख सकते हैं ये एक चावल वाला बैग है, इसी में मैंने आज से 6 महीने पहले खाद तैयार की थी यानी किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार की थी। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल माशाल्लाह से डिकम्पोज हो चुकी हैं,
ये सारी आप यकीन करें ये वही सारी खाद है जो कि फलों के और सब्जियों के छिलकों से बनाई गई हैं, जो गार्डन वेस्ट पीली पत्तियों को सबको एक तरफ जमा करके, हत्ता के जो ये मेरे परिंदे हैं इनकी जो मेरे परिंदे हैं इनकी जितनी भी सारी जो बीट्स हैं और इनके जो दाना है उनका जो छिलका है वो सब मैं निकालती थी तो उसको फेंकती नहीं थी, मैं इसमें इसी के अंदर इनको डालती रहती थी। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह ये डिकम्पोज हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये आपको मैं दिखाती हूँ। अब मैं इसको तोड़ूँगी तो ये इस तरह से डिकम्पोज हो चुका है ये सारा। अब इसको भी मैं रियलाइज़ करूँगी, देखें ये सारा। तो अब बहुत बेस्ट होती है ये किचन वेस्ट कम्पोज हमारे प्लांट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं उनमें आप इसको ज़रूर डालिए और ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये थी आज की मेरी सारी किचन वेस्ट कंपोस्ट जो डीकम्पोस्ट हो चुकी है उसकी डिटेल, और किस तरह आपको गोबर के खाद को भी इस्तेमाल करना है और कितना टाइम इसको आप रेस्ट देंगे तो ये एक अच्छी सी बेहतरीन सी काउडंग मैन्यूर जो है गोबर की खाद में तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी डिटेल पसंद आई होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरी वीडियो पर तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।